प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास ट्वेल्थ की भूगोल में छठा अध्याय है विश्व अधिवास, मानव अधिवास। उसमें ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रामीण अधिवासों का प्रतिरूप का जो वर्गीकरण है वो कितने वर्गों में किया गया है, कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, उसके आधार क्या है। तो सबसे पहले ये अपन जानते हैं कि अधिवास है, अधिवास जो प्रतिरूप है ये किसे कहते हैं, इससे क्या अभिप्राय है। तो अधिवास प्रतिरूप का मतलब होता है कि अधिवास की बसाव की आकृति के आधार पर, अधिवास की बसाव की आकृति के आधार पर किए गए जो विभाजन है उसे अपन क्या कहते हैं, अधिवास प्रतिरूप। अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर, यानी उनका जो बसाव है उसकी आकृति किस प्रकार की है, उसके आधार पर किए गए विभाजन को अपन अधिवास प्रतिरूप कहते हैं। अधिवास प्रतिरूपों के जो वर्गीकरण है, उनके प्रतिरूपों का जो वर्गीकरण किया गया है, इन प्रतिरूपों का आधार यानी कि किन कारकों पर निर्भर करता है। अधिवासों के प्रतिरूपों का जो आधार है, ये जो बसाव की आकृति है, ये आकृति किन आधारों पर निर्धारित होती है। इनमें सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक कारक। तो अधिवासों का जो बसाव की जो आकृति होती है या अधिवासों का जो प्रतिरूप होते हैं उनकी बसाव की जो आकृतियाँ होती है वो आकृतियाँ विभिन्न कारकों के द्वारा निर्धारित होती है, विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, और उनमें से सबसे पहला है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक के अंतर्गत भूमि का स्वरूप कैसा है, जलाशय यानी वहाँ जल की स्थिति किस प्रकार की है। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक कारक है उसमें भूमि का आकार कैसा है, जलाशय है यानी जल की उपलब्धता किस प्रकार की है, इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अधिवासों का प्रतिरूप है वो निर्धारित होता है। यानी इसमें धरातलीय स्वरूप के साथ साथ ये जलाशय के अंदर, जैसे कोई नदी है, नदियां हैं तो नदियों के किनारे बसाव होता है, जहाँ तालाब वगैरह अन्य जलाशय है उनके किनारे बसाव होता है। धरातल का स्वरूप कैसा है, जैसे पर्वत है या पठारी भाग है या मैदानी भाग है या समुद्री तटवर्तीय क्षेत्र है, तो इस प्रकार का धरातलीय स्वरूप किस प्रकार का है उसी के अनुसार आवास का प्रतिरूप निर्धारित होता है। मैदानी क्षेत्रों में अलग होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में अलग होता है, तटवर्तीय क्षेत्रों में अलग होता है। जलाशय जैसे तालाब है, झील है या अन्य बावड़ी वगैरह है तो उसके किनारे अलग बसाव होता है और नदियों के किनारे अलग आकृति का बसाव होता है। तो सबसे पहला कारक करता है वो प्राकृतिक कारक प्रभावित करता है। दूसरा जो इसका आधार कारक है वो ऐतिहासिक कारक, यानी ऐतिहासिक दृष्टि से जो अधिवास है वो प्रतिरूप किस रूप में है। प्राचीन काल से विभिन्न सभ्यताओं के माध्यम से विभिन्न जो यानी कि प्राचीन में जो ऐतिहासिक भू दृश्य हुआ करते थे, जैसे किले हैं, महल है, विभिन्न नगर है, महानगर है, उनकी बसाव की आकृति किन आधारों पर होती थी उसके आधार पर भी अधिवासों के प्रतिरूप निर्धारित होते हैं। सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक है ये भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि भारत के अंदर या विश्व के अंदर अलग अलग यानी कि प्रजातियाँ, धर्म या कुटुंब के लोग हैं वो अलग अलग रीति रिवाज, रहन सहन, धार्मिक मूल्यों, व्यक्तिगत मूल्यों, सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं उसके अनुसार यानी कि रहना पसंद करते हैं, और वो अपनी सामाजिक और जो सांस्कृतिक मूल्य है, जो परंपराएं हैं,
जो उसमें प्रगाढ़ता है, जो संगठन है, उन सबको ध्यान में रखते हुए अधिवासों का यानी निर्माण होता है। उसी के आधार पर उसकी आकृति निर्धारित होती है। और परिवहन के मार्ग है वो भी अधिवासों के प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं, जैसे कोई रेल मार्ग है या सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग में चौराया वगैरह है। तो इस प्रकार परिवहन मार्गों के किनारे भी अलग अलग कंडीशन के अंदर अधिवासों का बसाव होता है। धार्मिक स्थल है वो भी अधिवासों के प्रतिरूप को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। जैसे धार्मिक स्थल पर किसी पहाड़ी पर बसा हुआ धार्मिक स्थल है और उसके आसपास यानी कि इस प्रकार अधिवासों का बसाव होता है। और पूरी यानी कि जो अधिवासों का प्रतिरूप बनता है वो इस प्रकार बन जाता है कि एक धार्मिक स्थल है, उससे बहुत सारी सड़कें वगैरह निकल रही है और उसके आसपास क्या हो गया है, विभिन्न अधिवासों का निर्माण हुआ है और इसकी आकृति कैसी रह गई है, एक अरिये जैसी रह गई है, एक केंद्र से यानी कि परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर बिखरे हुए रूप में अधिवास पाए जाते हैं। तो धार्मिक स्थल भी प्रभावित करते हैं, विभिन्न मैदानी भागों, पहाड़ी क्षेत्रों, विभिन्न जो धार्मिक स्थल है उन विभिन्न धार्मिक स्थलों के आधार पर वहाँ के नगर या महानगर या कस्बे, छोटी बस्ती है वो एक उसकी आकृति के अनुसार निर्मित हो जाती है। तो ये ऐसे कारक हैं जो अधिवासों के प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं, आधार माने जाते हैं, प्राकृतिक है, ऐतिहासिक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, परिवहन और धार्मिक स्थल है। अब यदि इन आधारों पर अधिवासों का प्रतिरूपों का जो वर्गीकरण है, अधिवासों के प्रतिरूप का वर्गीकरण है वो विभिन्न अलग अलग प्रकारों में किया गया है। सबसे पहले है रेखीय प्रतिरूप। ये जो रेखीय प्रतिरूप है, रेखीय प्रतिरूप का निर्माण किस रूप में होता है, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंतर्गत रेल मार्ग है, ये रेल मार्ग है, रेल मार्ग है या सड़क मार्ग है, या सड़क मार्ग है या कोई नदी बह रही है, नदी बह रही है। तो रेल मार्गों के किनारे, सड़क मार्गों के किनारे, रेल मार्गों के किनारे, सड़क मार्गों के किनारे या नदियों के किनारे, नदियों के किनारे किनारे इस प्रकार बस्ती का निर्माण होता है, अधिवासों का निर्माण होता है और ऐसे अधिवासों को रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे ये नदी है तो नदी के दोनों किनारे पर पानी की उपलब्धता और कृषि की आवश्यकताओं, पशुपालन को ध्यान में रखते हुए इनके दोनों किनारों पर विभिन्न अधिवासों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के जो अधिवास है, किसी नदी के किनारे, किसी नहर के किनारे, सड़क मार्ग या रेल मार्ग के किनारे जो अधिवासों का प्रतिरूप बनते हैं उसे अपन कौन सा अधिवास कहते हैं, रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। तो ये जो रेखीय प्रतिरूप है वो इन नदी के किनारे, झीलों या सॉरी नहरों या रेल मार्ग या सड़क मार्ग के किनारे होते हैं। और नेक्स्ट है तीर प्रतिरूप। ये जो तीर प्रतिरूप है, तीर प्रतिरूप कहाँ होते हैं, दो आब क्षेत्रों के अंदर, जहाँ नदियों के, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको अपन क्या कहते हैं, दो आब का क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ये एक नदी है और दूसरी नदी इस प्रकार की है, ये जो दोनों नदियाँ यहाँ आकर के मिलती है, ये आपस में मिलती है। अब ये जो बीच का क्षेत्र है ये क्या है, दो आब का क्षेत्र है। तो इसके केंद्रीय अग्र भाग पे यहाँ बस्ती नहीं होती है यहाँ, और इसके पक्ष भाग के अंदर, पीछे वाले भाग के अंदर इसमें बस्ती का निर्माण हो जाता है, अधिवासों का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार के जो अधिवास है जो किसी दो सड़क मार्ग यानी मिल रहे हैं या कोई नहर
और नदी आपस में मिल रही है, एक नदी और एक नहर आपस में मिल रही है, क्रॉस नहीं करें, तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप बनते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, तीर प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप बनते हैं। नेक्स्ट यानी कि त्रिभुजाकार जो प्रतिरूप है, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप भी ऐसी ही कंडीशन के अंदर बनता है। त्रिभुजाकार प्रतिरूप है ये भी, यदि कोई जैसे ये सड़क मार्ग गुजर रहा है, इधर की ओर से क्या गुजर रहा है, सड़क मार्ग, और इस सड़क मार्ग के किनारे से यहाँ एक नहर गुजरती है, यहाँ से एक नहर या नदी गुजरती है और इधर से एक नहर है, लेकिन ये क्रॉस नहीं करते हैं। तो ये एक नदी गुजर रही है और यहाँ से ये क्या गुजर रही है, नहर गुजर रही है, तो इस तरफ क्या है, नहर है, ये क्या है, नदी है, और ये क्या है, सड़क मार्ग है, सड़क मार्ग है। इनके बीच के मध्य भाग के अंदर यहाँ जो प्रतिरूप बनते हैं इसकी आकृति कैसी बन जाती है, त्रिभुज के समान, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहते हैं। तो ये जो प्रतिरूप है वो किस प्रकार का है, त्रिभुजाकार प्रतिरूप है, जहाँ एक नदी और नहर और सड़क मार्ग मिलते हैं, नहर और नदी आपस में मिलती है लेकिन आपस में क्रॉस नहीं करती है, और दक्षिण इसके एक सिरे पर सड़क मार्ग है, तो बीच में त्रिभुज की स्थिति के अंदर जो अधिवास निर्माण होते हैं उसको त्रिभुजाकार अधिवासों का प्रतिरूप कहते हैं या त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहा जाता है। और फिर है आयताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप का निर्माण कहाँ होता है, आयताकार प्रतिरूप का निर्माण हमेशा यानी कि कोई यदि सड़क मार्ग है और वो आपस में मिलते हैं, ये सड़क मार्ग आपस में मिलते हैं, तो उन मिलन स्थल पर जहाँ यानी चौराया होता है उसके आसपास बस्ती का निर्माण हो जाता है। कोई सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, या रेल मार्ग सड़क मार्ग है, या आपस में नदियाँ क्रॉस करती है, तो उसको चौकपट्टी या आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे ये सड़क मार्ग है, ये इनका मिलन स्थल है, और ये भी आपस में क्या करती है, क्रॉस करती है, तो इस पर यहाँ इस दोनों सड़कों के आसपास जहाँ चौराया है, इन चौराया पर जहाँ आपस में रेल मार्ग या सड़क मार्ग आपस में मिलते हैं, जो नदियाँ या नहरें आपस में मिलती है, तो उसके आसपास आयताकार रूप से माँ या अधिवासों का निर्माण होता है, इसे यानी आयताकार प्रतिरूप कहते हैं, अधिवासों का आयताकार प्रतिरूप कहा जाता है, ये इस प्रकार निर्मित होते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, आयताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप। और नेक्स्ट जो अरिय प्रतिरूप है, अरिय प्रतिरूप, अरिय प्रतिरूप हमेशा किसी यानी कि कोई पहाड़ी क्षेत्र है या कोई ऐसा महानगर है जिसके केंद्र से बहुत सारी सड़कें बाहरी क्षेत्र में जाती है, तो उनके केंद्र से बाहर की ओर परिधि की ओर अधिवासों का निर्माण हो जाता है, जिसे अरिय प्रतिरूप कहा जाता है। तो रेखीय प्रतिरूप है जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नदी घाटी, नहर या सागर तट के सहारे बस्ती का विकास होता है, तब रेखीय प्रतिरूप वाले अधिवासों का निर्माण होता है। और इस प्रतिरूप में आवास पास पास में और पंक्तिबद्ध होते हैं। रेखीय में कैसे होते हैं, आवास पास पास में और पंक्तिबद्ध होते हैं, जैसे गंगा यमुना के मैदान, गंगा भारत में गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों, मध्य हिमालय क्षेत्रों में इस प्रकार रेखीय प्रतिरूप पाए जाते हैं। और जयपुर का बरवाड़ा गांव है, जयपुर का बरवाड़ा, बरवाड़ा गांव है, जयपुर का बरवाड़ा गांव, बरवाड़ा गांव है,
वो रेखीय प्रतिरूप के लिए विकसित है, रेखीय प्रतिरूप के रूप में विकसित है। तो रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण दी, यानी कि जो जयपुर का बरवाड़ा गांव है जयपुर, वो इस प्रकार रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। इसके अलावा मध्य हिमालय क्षेत्रों में ये दिवास मिलते हैं। रेखीय प्रतिरूप को पंक्तिनुमा या मार्गो उन्मुखी या अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं। तीर प्रतिरूप है, ये किसी अंतरीप के शीर्ष पर नदी के विसर्प के सहारे या दो आब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिवास विकसित होते हैं, जो यानी अधिवासों का जो प्रतिरूप है वो तीरनुमा होता है। और ऐसे स्थानों पर अग्रभाग में अधिवास का विकास भूमि की उपलब्ध नहीं होती है या नदी की सीमा इसके विकास में बाधा डालती है, जिससे अधिवासों का विकास इसके पृष्ठभाग की तरफ होता है। जैसे दक्षिणी भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा में चिल्का झील है, दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तट और चिल्का झील है, चिल्का झील के तट पर ऐसे तीर प्रतिरूप बने हैं। त्रिभुजाकार प्रतिरूप है, जब नदियां, नहरें या सड़कें संगम होता है लेकिन वे एक दूसरे को काटती नहीं है, तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। ऐसे संगम स्थलों पर अधिवास विकसित होने के लिए दो नदियां या नहरें या सड़कों के द्वारा निर्मित त्रिभुज के अंदर भूमि पर अधिवास विकसित होता है। और भारत में पंजाब और हरियाणा में ऐसे त्रिभुजाकार अधिवासों के प्रतिरूप मिलते हैं। आयताकार जो प्रतिरूप है, जब दो सड़कें आपस में मिलती है तो उन मिलन स्थलों से दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण होता है, तब आयताकार प्रतिरूप बनते हैं। और विश्व में जहाँ समतल उपजाऊ मैदानी भाग है वहाँ ऐसे आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूपों का निर्माण होता है। और ये त्रिज्या प्रतिरूप है, जब किसी गांव के एक स्थल से अनेक दिशाओं में कच्ची सड़कें या पक्की सड़कें निकलती है, किसी गांव या कोई कस्बा या नगर है उससे अनेक दिशाओं में कच्ची और पक्की सड़कें निकलती है, और उनके तो मिलन स्थानों पर त्रिभुजाकार यानी त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण होता है, परंतु सभी मुख्य चौराहों पर मिलन समानांतरण नहीं होता है। इसीलिए ऐसे प्रतिरूपों को अरीय त्रिज्या प्रतिरूप कहते हैं। विश्व में घनी आबादी वाले जो उपजाऊ मैदानी भाग है उसमें ऐसे प्रतिरूप देखे गए हैं। भारत में भी गंगा के ऊपरी मैदान और तमिलनाडु राज्य में भी इस प्रकार के प्रतिरूप दृष्टिगोचर होते हैं, जिसको अरीय या त्रिज्या प्रतिरूप कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रतिरूपों का और भी यानी कि वर्गीकरण किया गया है, जिसमें कल की क्लास में अपन उनका और डिस्कस करेंगे। तो अरीय प्रतिरूप का मतलब है कि यदि कोई नगर या गांव ग्रामीण क्षेत्र है उसके केंद्र से बहुत सारी सड़कें पक्की सड़कें बाहर की तरफ निकलती है और उन सड़कों के किनारे यानी बस्तियों का निर्माण हो जाता है, जो केंद्र में अधिक होता है परिधि में धीरे धीरे बिखरता हुआ निर्मित होता है। जैसे भारत के ऊपरी गंगा मैदान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रतिरूपों का निर्माण देखने को मिल जाएगा। तो ये जो अधिवासों का प्रतिरूप है, इन अधिवासों का प्रतिरूप है वो प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परिवहन, धार्मिक, बहुत सारे ऐसे कारक है जिसको ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण किया गया है। और भी प्रतिरूप है, जैसे वृत्ताकार प्रतिरूप है या तारा प्रतिरूप है, पंखा प्रतिरूप है, अनियमित प्रतिरूप है, इन यानी कि सीढ़ी नुमा प्रतिरूप है, इनकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।